मेरी साहब, कुछ सालों पहले आपके हवाले से एक बड़ी कंट्रोवर्सी आई थी। ये कहा गया था कि आप मुल्क छोड़ के चले गए हैं, आपने कहा है आप शायद वापस नहीं आएंगे, कुछ लोग हैं जो आपकी जान के पीछे पड़े हुए हैं, क्या वो बात थी और कौन थे वो लोग? अच्छा, मेरे पास एक ग्रुप आता था, बेनजीर का थोर था, तो बेनजीर को हटाना चाहता था लेकिन मेरे कंधे पे बंदूक चला के हटाना चाहता, मैं इनको इनकार कर। कौन था उस ग्रुप में? हमीद गुल, इमरान खान, ऐसे ग्रुप। मुझे कहा आखिरी में आप नहीं आएंगे तो हम आपको उठा के ले जाएंगे और बयान दे देंगे, फिर कहां जाओगे? मैंने उसी रात को पीआई के थ्रू लंदन चले गए, मुल्क छोड़ा नहीं। मैं वहां जाके बीबीसी को बता दिया, दुनिया को अचंभे में डाल दिया। एम्बेसडर मेरे पास पहुंच गए, आपको क्या ताबूत चाहिए? मैंने कहा नहीं, मैं ताबूत वाला बंदा नहीं, मैं खुददार हूं लेकिन मैं फसादों में पाना नहीं, पाकिस्तानी हूं, पाकिस्तान में ही रहूंगा, कहीं नहीं जाऊंगा। थोड़ा सा माहौल ठीक हो जाए मैं वापिस आ जाऊं। अम्बेसडर को मैंने बता दिया, मुझे ऑफर की गई कि आपको हर किस्म की सिक्योरिटी प्रोवाइड कर लेंगे। मैंने कहा मैं कोई चीज की सिक्योरिटी नहीं चाहता, आज भी मेरे दरवाजों के पास चले जाओ एक चौकीदार नहीं मिलेगा मामू। क्यों? इंसान जब इंसान इंसान बन जाता है तो उनको तमाम खौफ खत्म हो जाता है। उसके बाद जब ये मसला ठंडा हो गया, पाकिस्तान वापस आ गए, दोबारा उन्होंने कोशिश नहीं की या दोबारा किसी और पार्टी ने कोशिश नहीं की कि आप उनको ज्वाइन करें? नहीं, फिर मुझसे कोई मिला ही नहीं, मेरी पोजीशन क्लियर हो गई कि ये सियासतदान नहीं है, ये मजहबी ठेकेदार नहीं है, सामाजिक ठेकेदार नहीं है, एक इंसान है, इंसानी नहीं है।